देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से 22 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से गरीब, मजदूर, बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों के भोजन की समस्या को हल करने में काला पीपल की अन्न सेवा समिति गुरुद्वारे में पिछले 75 दिनों से बड़ी भूमिका निभा रही है, जिसमें रोजाना जरूरतमंद महिलाओं आवश्यक वस्तुएं जैसे आटा, नमक, शक्कर, चावल, तेल, साबुन, बिस्किट, चाय पत्ती, पोहा, प्याज वितरण किया जा रहा है। SDM प्रकाश कस्बे ने कहा कि प्रतिदिन निशुल्क पैकेट वितरण करना एक मानवीय पहल है। वहीं अंतिम दिन निस्वार्थ सेवा दे रहे समाज सेवी तेज प्रकाश पटेल और मुकेश वर्मा का शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। गुरुद्वारे की सेवा समिति जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुई। कोविड के इस भयंकर महामारी के दौर में, लोगों के संकट के बीच में काला पीपल विधानसभा में जिस ऐतिहासिक रूप से अन्न सेवा समिति ने कार्य किया, लगातार लोगों को लगभग 75 दिन से भोजन, भोजन के साथ कच्ची सामग्री जो बांटने का काम किया, लगातार मानवता के लिए मिसाल पेश करी है। मैं बधाई देना चाहूंगा अन्न सेवा समिति को, जिन्होंने बेहतर रूप से, बेहतर परिणामों से, सकारात्मकता के साथ इस कार्य को किया। इस अच्छे कार्य के लिए सभी समिति के सदस्यों को बधाई, क्योंकि मानव ही मानव के काम आता है और मानवता की इस बात को जो उन्होंने दिखाने का काम किया, मानवता को करने का काम किया और गरीब मजदूरों तक रसद पहुंचाने का काम किया, इसके लिए मैं वापस पुनः अपनी विधानसभा काला पीपल की अन्न सेवा समिति को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि लगातार इसी तरह आगे भी लोगों की सेवा में बढ़ चढ़ के काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शाजापुर से हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।